ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। वेटिंग बहुत लंबी हो गई। पर भाई कुछ लोग ऑटो वालों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कोई चोर बोलता है, कोई डकैत बोलता है, कोई बेईमान बोलता है, कोई बोलता है कि उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं, मतलब काट देते हैं। कुछ लोग शॉर्टकट भाषा बोलते हैं, काट देते हैं, कहीं से कहीं घुमाते हैं। लेकिन कुछ ऑटो वाले मेरे जैसे भी होते हैं। मतलब हो गए द्वारकाधीश के दर्शन? हाँ। कैसे हुए? बहुत अच्छे। अच्छे हुए? मंदिर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। हाँ पुराना तो है। जो सब्सक्राइबर है जो कोलकाता से आए हैं, इनसे मेरी जब बात हुई थी ना, इन्होंने मुझे बताया था कि सुबह 9 बजे इनकी ट्रेन आएगी, 9:10 पे आएगी, और पूरा प्रोग्राम बताई दिया है मैंने कि क्या क्या घुमाना था। लेकिन भाई साहब इनकी ट्रेन 2 घंटे लेट आई, मतलब 11:15 करीब में, और कहूँ 11:30 बजे लेके आया। पहले मैंने इनको भूतेश्वर मंदिर कराया, जन्मभूमि दर्शन कराए, उसी में 12 बज गए, और 12 बजे मथुरा वृंदावन के लगभग सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं, नहा धो के हो गए रेडी। और भाई कल मैंने आपको एक खुशखबरी दी थी, मुझे कुछ यूट्यूब से काम आया है, कल मैं बात करके आया हूँ, और संडे को ये बातें हमारी फाइनल हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या काम आया था, क्या किया है मैंने। फिलहाल इसको छुपा के रखते हैं, क्योंकि पहले कोई बात बता देता वो होता नहीं है। और भाई आज भी एक खुशखबरी है, आज हमारे एक सब्सक्राइबर मिलने के लिए आ रहे हैं कोलकाता से। एक दीदी हैं, शायद 2 लोग हैं वो होंगे या उनके हस्बैंड होंगे, तो उनसे भी मिलाएंगे, निकल के जा रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है 9 बजे आएगी मथुरा जंक्शन पे, 8 बज चुके हैं, 1 घंटे का इंतजार है, तो यहाँ से निकलते हैं। एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज करना। 2 दिन से मेरा भाई मन और दिल दोनों के दोनों बहुत खुश है, बस आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बने रहे तो ये खुशी बढ़ती चली जाएगी, और आपको भी कुछ खुश होने का कुछ ना कुछ मौका मिलता रहेगा। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए, चलिए निकलते हैं, नया दिन और नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो भाई बड़े जोश में निकल के आया था घर से कि सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उन्हें उठाऊंगा, पिकअप करूंगा, और यहाँ आते आते पता चला है कि उनकी ट्रेन लेट हो गई है लगभग 1 घंटे के करीब। अभी हाथरस पर रुकी हुई है, तो जो 9 बजे का टाइम था वो 10 बजे का हो गया है, अब तब तक इंतजार करना पड़ेगा। खैर मैं इंतजार तो नहीं करूंगा, कोई सवारी मिलेगी तो 1-2 चक्कर लगाने की कोशिश करूंगा, जब वो आएंगे तब पिकअप कर लेंगे। वैसे आज मौसम ठंडा है, मौसम के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब चेंज हो जाए। बस आने देते हैं उनको, तब तक कोई चक्कर मिल जाए तो अच्छा है, जिम में कुछ पैसे आ जाएंगे उनके आने से पहले। फाइनली भाई 11 बजे जाके कलकत्ता आके लगी है, जिसका 9:10 का टाइम था वो 11 बजे आई है। कितना लेट गाड़ी हुई है, अब जाके सवारियों का कॉल आया कि भैया हमारी गाड़ी आ गई है, अब इंतजार खत्म हुआ भाई मेरा। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। वेटिंग बहुत लंबी हो गई। पर अब बताइए कहाँ चलना है पहले? एक मंदिर तो बंद हो गया ऑलरेडी द्वारकाधीश, 11 बजे बंद हो जाता है वो। जन्मभूमि खुला है, भूतेश्वर खुला है अभी, और आपका सारा दिन गोकुल खुला रहता है। मंकू? हाँ? मंकू? हाँ, हाँ। हाँ, मंकू छोटा है, अंजलि बड़ी है। बहरहाल फिर भी टाइम की रिकवरी कर ली है हमने, 2 मंदिर तो कर लिया है। अगर हाँ, ट्रेन लेट नहीं होती ना तो पूरा आराम से होता। हाँ तो भाई दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको मिला दिया कि मेरे सब्सक्राइबर साग हैं, और भाई इनका और मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान था। मथुरा में जन्मभूमि दिखाना था, भूतेश्वर मंदिर दिखाना था, कंस किला, द्वारकाधीश, चामुंडा मंदिर, बिरला मंदिर और पागल बाबा मंदिर, उसके बाद जाना था हमें गोकुल। लेकिन इनकी जो ट्रेन थी वो 2 घंटे लेट हो गई, सुबह 9 बजे आनी थी और 11:15 को, हाँ 11:15 के करीब में आके लगी है। तो 11 बजे मंदिर द्वारकाधीश बंद हो जाता है, तो वो तो वहाँ कैंसिल हो गया। भूतेश्वर मंदिर और जन्मभूमि करते करते 12 बज गए, तो बाकी के मंदिर भी बंद होने का टाइम हो गया। अभी हम लोग गोकुल की तरफ जा रहे हैं, अब देखेंगे गोकुल से वापसी में जितने मंदिर खुल जाएंगे उतने कराने की कोशिश करेंगे, वरना इनके टाइम की और जो पैसे दे रहे हैं उसकी रिकवरी में गोकुल में कराने की कोशिश करूँगा। गोकुल में बहुत जगह है देखने लायक, कोशिश करेंगे इनको ज़्यादा नुकसान फील ना हो और हमारा भी काम पूरा हो जाए, गोकुल में मंदिर दिखाने की कोशिश करूँगा। गोकुल से आगे जैसे चिंतारण महादेव है, ब्रह्मांड घाट है, 84 खंभा है, ओकल मंडल है, रसखान की समाधि है, अगर इनकी इच्छा होगी तो वो दिखाएंगे, नहीं होगी तो फिर वापस आके मथुरा पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलिए पहले गोकुल चलते हैं।
मुझे ऐसा लगा था आपके साथ कोई जेंट्स आएगा, बिटिया की पता ली थी वो जगह, बिटिया आ रही है। अच्छा वो हिंदी पढ़ाती है भी। अच्छा टीचर है ये, वेरी गुड। ओ भाई साहब देखो जमुना जी का नजारा यार, खाली खाली यमुना में और भरी यमुना में कितना फर्क हो जाता है भाई, एकदम लबालब इस किनारे से उस किनारे तक पानी पानी दिख रहा है भाई। ये गोकुल का ठकुरानी घाट है और सामने खड़ी हैं ये मेरी सवारियां हैं। मजा आ गया भाई, यमुना को देखने में ऐसे ही अच्छी लगती है, यमुना जी का सबसे सुंदर स्वरूप है ये वाला, जब पानी इस किनारे से उस किनारे तक लबालब हो। अभी तो कुछ भी पानी नहीं है, पिछले साल आपको बताऊं तो यहाँ तक पानी था, ये जो रोड दिख रही ना ये तक पानी में डूबी हुई थी, अभी तो बहुत दूर है। हो गए द्वारकाधीश के दर्शन? हाँ। कैसे हुए? बहुत अच्छे। अच्छे हुए? मंदिर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। हाँ पुराना तो है, बहुत अच्छा है, दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ। कंस किला देखा? ऊपर नहीं गया, नीचे से देख लिया। चलो भाई, कुछ लोग ऑटो वालों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कोई चोर बोलता है, कोई डकैत बोलता है, कोई बेईमान बोलता है, कोई बोलता है कि उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं, मतलब काट देते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट भाषा बोलते हैं काट देते हैं, कहीं से कहीं घुमाते हैं। लेकिन कुछ ऑटो वाले मेरे जैसे भी होते हैं, मतलब कुछ होते हैं जो ठीक तरह से घुमाते हैं। अभी जो आज जिस सवारियों घुमा रहा हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो कोलकाता से आए हैं, इनसे मेरी जब बात हुई थी ना, इन्होंने मुझे बताया था कि सुबह 9 बजे इनकी ट्रेन आएगी, 9:10 पे आएगी, और पूरा प्रोग्राम बताई दिया मैंने कि क्या क्या घुमाना था। लेकिन भाई साहब इनकी ट्रेन 2 घंटे लेट आई, मतलब 11:15 करीब, मैं और कहूँ 11:30 बजे लेके आया। पहले मैंने इनको भूतेश्वर मंदिर कराया, जन्मभूमि दर्शन कराए, उसी में 12 बज गए, और 12 बजे मथुरा वृंदावन के लगभग सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। अब कहीं दिखाने का तो था नहीं, एक ऑप्शन था गोकुल, क्योंकि गोकुल भी था, गोकुल लेके पहुंचा, गोकुल से वापसी आते आते हमें 2 बज गए, 2 बजे यहाँ पे आके दर्शन कराना शुरू करता तो कैसे करता, क्योंकि मंदिर तो सारे बंद थे। फिर भी एक मंदिर की आस थी कि चामुंडा मंदिर शायद खुला मिल जाए। चामुंडा मंदिर पे पहुँचे तो वहाँ जाके पता चला कि भाई चामुंडा मंदिर 5 बजे खुलता है और 12 बजे बंद हो जाता है। मेरी बुद्धि में शॉर्ट उड़ गए, फिर कोई जगह ही नहीं बची थी कहाँ जाता, फिर आके घर हार थक के मुझे इन्हें द्वारकाधीश और कंस किले की तरफ लेके जाना पड़ा। मैंने कहा आप यहाँ पे टाइम पास करो, कंस किला देखो, यमुना के घाट देखो, तब तक इंतजार करते हैं। 2:30 बजा हुआ था, मैंने कहा 1.5 घंटे बैठेंगे, 4 बजे मंदिर खुल जाएगा, दर्शन करके आ जाना। तो भाई 2:30 बजे का बैठा बैठा 4 बजे उन्होंने दर्शन किए और 4:30 बजे वापस आए वहाँ से। 2 घंटे मैंने यमुना जी के किनारे पे बैठे बैठे उस झूले पे काटे हैं। अभी लेके आया हूँ इनको मैं बिरला मंदिर पे, ये गए दर्शन करने, यहाँ से पागल बाबा दर्शन कराऊंगा इनके आश्रम पे, यानी कि जो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है वहाँ पे, कोई आश्रम है वहाँ छोड़ना है, तब मैं फ्री होऊंगा। अगर मेरे को ये सवारी यूट्यूब के थ्रू फ़ोन करके नहीं आती आई होती ना और स्टेशन से टकराई होती, तो भाई साहब इनके पैसे बढ़ जाते मेरी तरफ से, क्योंकि इतना टाइम देने की बात ही नहीं थी। और मेरी मजबूरी है, मैं जवान दे चुका था, सारी जगह लिख के ओके दे चुका था व्हाट्सअप पे, जाके भी नहीं पलट सकता। अब ये सवारियों के अंदर की खुद की बात है, कुछ पैसे बढ़ा के देंगे कि नहीं देंगे, मतलब मैं तो मांगने वाला हूँ नहीं भाई, जवान भी कोई चीज़ होती है। इंतजार कर रहा हूँ, आने देते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 घंटा टाइम लेकर चला था कि 2:30 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, लेकिन 4:45 हो गए मेरे को। अभी ऑटो वाले सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारे जैसे भी होते भाई, जो जवान के पीछे दिन भर घिसने को तैयार रहते हैं। थोड़ा सा देखो, ऐसा ऑटो वाले भी कभी कभी इतना बुरा फंसते हैं कि हलक सूख जाता है उस काम को पूरा करते करते, और भाई आज मैं पैसा ही फंस गया हूँ। 8:00 बजे का निकला हुआ हूँ एक सिंगल सवारी के चक्कर में, और तब से लेके अभी तक भाई फंसा ही हुआ हूँ। 5:30 हो चुके हैं, लास्ट मंदिर है ये पागल बाबा, इसके बाद खाली मुझे ड्रॉप करना है, छोड़ना है, तब जाके मेरा पीछा छूटेगा। हालांकि रास्ते में इन्होंने जब गोकुल गए थे खाना भी खिलाया था, लेकिन मेहनत पैसों से ज़्यादा हो गई भाई। 2 घंटे जो बैठे ना हम लोग, इनकी ट्रेन जो लेट हुई उसके चक्कर में पूरा का पूरा मामला बिगड़ गया,
वो 2 घंटे इतने भारी पड़े हैं कि सारे मंदिर बंद हो गए, तो उनका खुलने का इंतजार करना पड़ा। आपको पता ही है मथुरा वृंदावन के मंदिर 4 बजे तक सारे बंद हो जाते हैं 12 बजे, तो भाई 4 घंटे वो जैसे जैसे करके मैंने खोला है। अब फ्री हो रहा हूँ, बस ये आ जाए दर्शन करके फिर निकलूँगा भाई। ठीक है जी, राधे राधे, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब, 5:50 हुई है अब जाके फ्री हुआ हूँ यार। अगर ये सवारियाँ YouTube ने नहीं दी होती तो भाई साहब आज इस समय पे झगड़ा हो जाता हम दोनों के बीच, फिर कल का भी काम है। चलो भाई, YouTube ने हमेशा ही चूना लगवाया है, आज फिर से चूना लग गया है मुझे। ऐसे कल परसों जो सवारियाँ घुमाई थी राजस्थान वाली, बहुत अच्छे थे, बुरे ये भी नहीं थे, बस थोड़ा सा सोचने और समझने का फर्क हो जाता है। इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि 2 घंटे लेट होने की वजह से 4 घंटे का इंतजार बढ़ गया है हमारा, तो टाइम कितना ओवर हो गया है। चलो कोई नहीं, नहीं सोचा तो कोई नहीं, जो मेहनत थी वो तो दे ही दी है, उसमें तो चोरी काटी नहीं है। होता है कभी कभी ऐसा यार, अब मेरे पास शब्द नहीं है ज्यादा कि कैसे डिस्क्राइब करूँ आपको। फिलहाल तो वृंदावन से आपको सवारियां मिल जाए ना, तो थोड़ा बहुत जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी, बाकी देखा जाएगा। दम भर गई पर यार, सुबह 8 बजे का घर से निकला हूँ और 6 बज चुके हैं, और भाई 8 बजे से पहले घर पहुँचूंगा नहीं मुझे लग रहा है, तो 12 घंटे की ड्यूटी हो गई आज लगातार। भूल गया यार मैं, लौटते मैं भूल गया, जा रहा हूँ जा रहा हूँ, हाथ मुँह धोया चाय पिला दे। तुमका खाने में लग रही है बहन जी, हाँ नमकीन कटोरा भर के सवास है, दिन दूसरा आयो। अभी खा लो जाते तो बढ़िया। हाँ तो भाई दोस्तों, ये था मेरा आज का दिन, जो सब्सक्राइबर आई थी उन दोनों को घुमा घूमू के उनके स्थान पे छोड़ के आ गया हूँ। राम किशन मिशन जो हॉस्पिटल है उसी में एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, उसी में जाके वो लोग रुके हैं, और भाई कल सुबह लेके उन्हें जाना मुझे नंदगांव बरसाना और गोवर्धन के लिए, तो आज जल्दी सोना है और जल्दी सुबह जग के वापस जाना है। वैसे पीछे हमारी अंजलि पढ़ाई लिखाई करने में लगी हुई है। अंजलि कैसा रहा आज का दिन? थोड़ी सी ओवर रेटिंग है पर बता सही रही है। आज मैं दोपहर में आया नहीं था ना, तो अंजलि को एक सुविधा तो पहले हो गई कि दोपहर में मेरे लिए खाना नहीं बनाना पड़ा है ना, मतलब दोपहर को इसे खाला वाला पड़ता मेरे लिए। और भाई खुशी तो बहुत थी, क्योंकि सब्सक्राइबर जब मिलने आते तो खुशी होती है कि भाई हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उसे देख के कोई हमसे मिलने आए हमारे साथ घूमे तो दिल तो खुश होता है। हाँ थोड़ी सी एक दिक्कत जरूर हुई कि पैसे के मामले में यार पूरा दिन निकल गया। अगर नॉर्मली स्टेशन से मैंने किसी और को पकड़ा होता तो पैसे कुछ अलग ही होते, पर इनसे पहले कमिटमेंट हो चुकी थी, मैं पैसे सारे बता चुका था। हालांकि जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग की वजह से सारी गड़बड़ हुई है, क्योंकि उनकी ट्रेन जो है 2 घंटे लेट हो गई, उसकी वजह से मंदिर बंद होना शुरू हो गए, तो मुझे इधर उधर करके वो 4 घंटे निकालने पड़े, तो उसी में थोड़ी सी दिक्कत हुई। वैसे कुछ नहीं है, दिल दुखी नहीं है, थोड़ा सा और हो जाता तो अच्छा ज़्यादा लगता। वैसे खुश तो मैं अब भी हूँ, क्योंकि जो मेहनत थी, जो पैसे उनको देने चाहिए थे उन्होंने पूरे दिए, 1 रुपया भी उसमें कम नहीं किया है। और कल सुबह उनको लेके भी जाना है, तो भाई आज मैं जल्दी घर पे आ गया हूँ। अभी 8 बजे हुए और लगभग आधा घंटा पहले मैं आ चुका था घर पे, तो जब मैं घर वापस आ रहा था आपसे बोल रहा था कि वृंदावन से कुछ सवारियां देखूंगा और थोड़ी देर मथुरा जंक्शन से चलाने की कोशिश करूंगा, पर भाई जिस दिन पूरा दिन गाड़ी चलाते ना जो थकावट होती है, कमर में दर्द होता है, शरीर यार इच्छा ही नहीं हुई, तो मैं चलते चलते जो 1-2 सवारियां मिली थी उन्हीं को लेके आ गया और मथुरा जंक्शन पर छोड़ने के बाद सीधा घर चलाया। हिम्मत ही नहीं हुई कि और कुछ काम कर सकूं, क्योंकि आदत तो हमें गंदी पड़ी हुई है ना कि दोपहर तक चलाते, 4-5 घंटे घर पर सोते, फिर शाम को जाते हैं, तो वही आदत दिक्कत दे जाती है कभी कभी। बहरहाल कोई नहीं, क्योंकि आज जो थके ना उससे डबल थकने वाले हैं कल, क्योंकि मथुरा और गोकुल इतना दूर नहीं है, बरसाना नंदगांव बहुत लंबा पड़ जाता है भाई, एक तरफ से लगभग 60 किलोमीटर के करीब, तो कमर की बैंड बच जाती है, असली थकावट तो कल होने वाली है। फिलहाल खाना पीना खाते हैं, हमारी मैडम खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी,
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।